को जय मसीह की। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं। एक पास्टर का उत्साहित होता है जब वो देखता है सारे गुब्बारे के साथ देखिए वो उत्साहित होता है। तो अगले संडे क्या है, क्रिसमस है, क्या है ईस्टर है अगले संडे। ये गोवा का विजिटिंग कार्ड है, घूमना चाहते तो कॉल कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि अगले संडे आप अपने जो परिवार के लोग हैं आप उनको इनवाइट करिए और बोलिए कि हमारा त्यौहार है और आप उनको लेके आइए। या फिर आपका पड़ोसी हो सकता है कि जब आपके फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है आपका, बातचीत होता है, आप उनको लेके आइए। या फिर आपका अखबार वाला न्यूज पेपर वाला है, हाथी वाला है, दूध वाला है, या कोई भी बड़ा हो सबको इन्वाइट करिए, बोले कि आज हम आपका चर्च में देंगे, आप उनको लेके आइए। दूसरी बात कॉन्फ्रेंस के लिए जैसे भाई कौन बता रहे हैं, तो 2008 में मैं कॉन्फ्रेंस में आया था, एक कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया था। तो एक सेशन में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया था, मैं गुजरात से आया था कॉन्फ्रेंस में, परमेश्वर ने बात किया, मैं मतलब बहुत उत्साहित हो गया था। परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बात की, मैं अपना नौकरी छोड़ के फुल टाइम सेवा में आ गया था। तो कॉन्फ्रेंस है तो समय होता है तो हमें मतलब जैसे परमेश्वर के नजदीक में लेके जाता है। तो मैं सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्लान करिए पहले से 10 11 12 तारीख 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस है और आप जरूर आइए उसमें। कुछ फीस रहेगा मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन आप जरूर आइए उसमें। काफी लेडीज है यहाँ पे, हम जानते हैं कि जो औरत है उसकी जो शोभा होती है उसकी बात जो होती है, ये आप सहमत है इससे कि तो एक औरत थी उसकी सिर्फ 3 बाल थे। कितने बाल? 3 बाल थे। एक दिन उसको इनविटेशन मिलता है तीसरी शादी में जाने का, तो बहुत खुश होती है, उत्साहित होती है कि आज मैं तो शादी में जाऊंगी। तो अच्छा नहा धोती है, अच्छा साड़ी पहनती है और डिओड्रेंट लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, बहुत मतलब तैयार हो जाती है। लेकिन अभी बाल बनाने की बात है, अभी तो होती कैसे, आज मैं कुछ अलग तरीके से बाल लगाऊंगी। तो सिर्फ 3 बाल होते हैं, 3 बालों की वो अलग प्रकार की कुछ किया बना बनाते बनाते क्या होता है, एक बार टूट जाता है, एक बार टूट जाता है तो सिर्फ केवल 2 बार बचते हैं। बोलते नहीं आज तो मैं शादी में जाके रहूंगी, तो बोलते कि चलो ये 2 बार तो मैं जूड़ा बना लेती हूँ। और जूड़ा बना रही होती है, एक बार और एक बार टूट जाता है, अभी उसके सिर में केवल एक ही बार बचता है। बोलते शादी में उसको जाने हैं, चलो मैं शादी बात बोल के चले जाती हूँ, बाद में पूछ लेना अगर नहीं वेदना निकाली है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 10 भी आयत है। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 1 से लेकर 10 तक। जब भी मेरा मैसेज देने का संदेश आता है भारत में वो आवाजें आने लग जाती है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जब्दी नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों को सरदार था और धनी था। देखना चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वे नाटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़ कर एक गुलाब के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि पर उससे कहा कि जल्दी झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जगदे ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना पेट देता हूँ। तब यीशु ने कहा, आज घर में उद्धार आया है क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र चोरियों को ढूंढने और उनको उद्धार करने को आया है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर सुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी कब्र खाली है, आपने मृत्यु को हरा दिया है और आपका वचन जीवित है जो हमसे बातचीत करता है। और प्रभु जी हम इसी आशा के संग आपके सम्मुख खड़े पिता बैठे हैं कि हम आपकी आवाज को सुन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। ये एक बहुत फेमिलियर पैसेज है हम सभी ने इसको सुना है और संडे स्कूल में बच्चे इसको गीत भी गाते हैं, इसका एक्स्ट्रा सॉन्ग भी इसका। तो ये जो घटना है एक अद्भुत घटना है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो जीवन बदलने वाला वचन है। तो यहाँ पे एक घटना घटी कि वो यीशु के बारे में लिखा, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा है और वहां पे जब्दी नाम का एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों पर सरदार है।
तो यीशु मसीह जहां कहीं भी जाता था भीड़ उसके पीछे जाती थी। अगर यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली को 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया, यीशु मसीह ने बूढ़ियों को चंगाई दी, यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला, यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, पानी के ऊपर चला, पानी जुबान पर डाटा। तो जो भीड़ थी वो यीशु के साथ बोले थी चमत्कार को देखने के लिए, उसको मिलने के लिए कि यीशु अपना हाथ हमारे बच्चों के ऊपर एक कई प्रकार से। तो ऐसे भीड़ यीशु के पीछे जा रही है और वो एक जगह पर पहुंचा जिस तरह यही और वहां पर एक व्यक्ति उसका नाम जक्काई। जक्काई के बारे में हम लोग 3 बातें देखते हैं। पहली बात यह है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, दूसरी बात है कि वो धनी है, और तीसरी बात है कि वो नाटा है। चुंगी लेने वालों का सरदार है, धनी है और नाटा है। अभी कई विद्वान बोलते हैं कि वो जो पूरा यरीहो एक जगह था, उस पूरे यरीहो के ऊपर उसका अधिकार था कि वो जगह मतलब वहां से वो लेता था, कर लेता था। ये जो चुंगी लेने वाले होते थे ये रोमी साम्राज्य के लिए काम करते थे और इनका जो काम था इनको कुछ सैलरी नहीं मिलती थी, तो ये जितना चाहते थे वो कम पैसे लेते थे, जैसे कि आज होता है ट्रैफिक पुलिस होता है कहीं होता है, तो ये भी ऐसे करते थे। जहाँ पे 20 रुपए लेने होते थे वहाँ पे 20 रुपए लेता था, जहाँ 20 रुपए लेने वहाँ पे 40 रुपए लेता था, जहाँ 50 रुपए लेने वहाँ पे 100 रुपए ले लेता था, जोर जबरदस्ती करके वो पैसा वहाँ से लेता था। इस प्रकार से वो और भी अमीर हो गया था। पहली बात कहते थे वो चुंगी लेने वाला सरकार था, मतलब उसके अंदर और भी लोग थे जो उसके अंडर में काम करते थे, और वो धनी था। ऑब्वियसली जब उसके अधिकार से सब कुछ है तो धनी है, और जो धनी है तो उसके पास मतलब पैसा है, पैसा है तो उसका मतलब उसके पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छा पहनने के लिए कपड़ा है, उसके पास अच्छा खाने के लिए, और उसके बहुत सारे मित्र है। उसका जो जीवन है, हो सकता है कि लोग उसकी उसके आमने सामने तो लोग क्या करते थे उसकी तारीफ करते थे, लेकिन बीच खराब है, वो चुंगी लेता है तो समाज में चुंगी लेने वाले को कोई पसंद नहीं करता था। और तीसरी बात क्या थी कि वो नाटा था, नाटा व्यक्ति था। आपने आप से कई लोगों ने सर्कस देखा होगा, और सर्कस में देखा होगा जो बौने लोग होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं हंसी मजाक करते हैं, है ना, ऊपर से गिरते हैं या कुछ करते हैं जिससे कि लोग हंसते हैं। तो वैसे इसका जीवन था, मतलब जगह का जीवन था, नाटक था, लेकिन अधिकार था उसके पास, पैसा था, और इसलिए वो क्या करता था अपने जैसा चीज उसको चाहता था वैसे वो पालन करता था। जब मैं छोटा था तो मैं सोता था तो ऐसे मतलब पैर ऐसे करते मतलब बोर्ड के ऐसे सोता था, तो मेरी मम्मी सोचती थी कि ये नाटा ना रह जाए, तो मेरे रात को पैर लंबा करते थे सोते सोते में नाटा रह जाए, तो धन्यवाद उनका उन्होंने पैर बनते। तो ये व्यक्ति नाटा था और छोटा था, और मतलब यहाँ पे क्या है, वो यीशु को देखना चाहता है। यीशु को क्यों देखना चाहता है, क्या वो क्या उसके पास फ्री टाइम है, क्या उसके पास कोई काम नहीं है कि वो जाके यीशु मसीह को देखे। वो यीशु मसीह की इससे देखना चाहते हैं क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा पूरे यरीहो में फैल रही है, सब सारे जगह पर यीशु की चर्चा है, चमत्कार करता है, और वो भी देखना चाहता है कि यीशु मसीह कैसा है, क्योंकि अभी तक उसने आमने सामने नहीं देखा है। जब मैंने भी पहली बार नरेंद्र मोदी को देखा था तो मैं भी मतलब खुश हो गया था, अरे मैं आज पहली बार आपके सामने देख रहा हूँ। पहली बार जब जब मैं इधर सारी मीटिंग में आया था बॉम्बे में मीटिंग थी, तो वहाँ पे मीटिंग में वो भी आई थी, नगमा आई गई थी, नगमा जो पुरानी पिक्चर की हीरोइन है, तो मैंने हाथ मिलाया, बहुत अच्छा लगा, फोटो भी खिंचवाई की किसी एक एक्ट्रेस के साथ फोटो खिंचाई। तो मतलब एक बड़े व्यक्ति तो ये भी यीशु मसीह है, अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री में बहुत ही फेमस है, तो लोग उसको मिलना चाहते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं, लोग उसके प्रचार को सुनना चाहते हैं, तो ये भी अपने आप को नहीं रोक पाया और वो भी यीशु को देखने के लिए बड़ी उसने कोई चिंता नहीं करी। यहाँ पे एक समस्या है, और समस्या क्या है, उसका नाटापन। वो चाहता था तो समूह को चला रहे, मैं तो नाटा उन्हें कैसे देख पाऊंगा, बाहर तो बहुत भीड़ है मैं कैसे देखूंगा। तो उसके सामने नाटापन उसका था, और उसके सामने उसका भीड़ जो उसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने किसी का समस्या का सामना करते बिना वो आगे बढ़ गया। लेकिन जब गया तो वहाँ यीशु को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि यीशु कैसा था, यीशु भीड़ के अंदर में था। आपको मालूम है कि उसके पास पैसा था, धन दौलत था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक चीज की कमी थी, वो कमी थी उद्धार की कमी, और वो उद्धार अपने पैसों से नहीं कर सकता था, वो उद्धार केवल यीशु ही दे सकता था जो कि उद्धार करता परमेश्वर है। चौथी बात होती है कि उसको देखने के लिए आगे दौड़कर गूगल के पेड़ में चढ़ गया। एक धनी व्यक्ति, आपने कभी कोई धनी व्यक्ति देखा है टीवी में, अक्सर देखा होगा, क्या आपने देखा कि वो कभी पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है?
अंबानी, मुकेश अंबानी या निर्मा अंबानी, कभी पेड़ पे चढ़ते हुए देखे आपने, हो सकता है कि वो बच्चे छोटे बच्चे के साथ चढ़ होंगे, लेकिन जब पैसा है धन दौलत है वो पेड़ पे चढ़ रहा है। तो ये तो अगर आप इस पेड़ के बारे में स्टडी करें तो जो पेड़ है वो 30-40 फीट ऊंचा होता था, 30-40 फीट ऊंचा पेड़ है और उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा, हो सकता है कि वो चढ़ रहा एक बार नीचे गिर गया, हो सकता है दूसरी बार कोशिश कर नीचे गिर गया, हो सकता है तीसरी बार, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्यों नहीं हार मानी? क्योंकि वो यीशु को देखना चाह रहा था, यीशु को देखना चाह रहा था, और अंत में वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अपने आप को पत्थरों से छिपा लिया। आप जानते हैं उत्पत्ति की किताब में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने भी ऐसे किया था कि अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढाँप लिया और पेड़ के पीछे सो गए। वो सोचते रहे परमेश्वर को कैसे मालूम चलेगा, उन्होंने तो अपने आप को छुपा लिया। लेकिन क्या आप और मैं, क्या हम अपने आप को परमेश्वर से छुपा सकते हैं? नहीं। हम पति से, पत्नी से, बच्चों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कई बातें छुपा सकते हैं, कई चीजें, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन क्या है? ट्रांसपेरेंट है। एक खुली हुई किताब के समान परमेश्वर के सामने हमारा जीवन है। तो वो भी अपने आप को छुपा रहा था कि मैं यीशु को देखूंगा, लेकिन यीशु मेरे को नहीं देख पाएगा। वहां पे यीशु आते हैं, पेड़ के सिंह और यीशु मसीह वहां पे आ रहे हैं, और यीशु मसीह पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। सब सोचने आ रहे हैं यीशु मसीह क्यों यहाँ पे क्यों रुकते हैं, लेकिन वहां पे एक मकसद है यीशु मसीह का। वो मकसद क्या है? 10 की आयत, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोजों को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में कोई हुए, कोई हुए का मतलब क्या है? जो रास्ता नहीं जानते हैं, बोलते हैं सब क्या बोलते हैं। आपने कभी वो देखा है, एक पॉलिथीन देखा रोड पे, पॉलिथीन जब गाड़ी जाती है, देश की गाड़ी जाती है तो पॉलिथीन उसके पीछे भागती है, इधर गाड़ी जाएगी तो पॉलिथीन इधर भागेगी, इधर गाड़ी जाएगी तो पॉलिथीन। तो कई लोगों का जीवन भी ऐसा है, भटका हुआ जीवन है। इधर बोलते हैं कि अरे ये भी सही है, अरे ये भी सही है, वो रास्ता भी सही है, वो ईश्वर भी सही है, ये भी सही है, तो क्या करते हैं सब के पीछे चले जाते हैं और अंत में वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। लोग खोए हुए हैं, लोग भटके हुए हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसे ही चलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको ढूंढने के लाया है, और यीशु मसीह वहां पर रुक जाता है और बोलते हैं कि हे जक्कई नीचे उतर। यीशु मसीह को कैसे मालूम उसका कि उसका नाम जक्कई है? यीशु मसीह को कैसे मालूम कि कोई छुपा रहा है अपने आप को पत्थरों के पीछे? बाइबल बोलती है कि तेरे बाप के घर में रहने जाने से पहले मैंने तुझे चुना है, तुझ पे चित्त लगाया है। बाइबल ये बोलती है कि हमारे चित्र उसने अपने हृदय में भी बनाया है। परमेश्वर आपको मुझको कब से जानते, जब हम पैदा भी नहीं होते, जब हम अस्तित्व में नहीं भी थे, तभी से परमेश्वर को जानने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर उसको बोलता है कि जैसे ही नीचे उतर बाइबल बोलती है खुशी से आनंद से नीचे उतर आता है। हो सकता है कि वो उतरते नदी में गिर भी गया नीचे, उसने उसे कुछ परवाह नहीं, क्यों? क्योंकि आज उसके साथ है, किसके साथ हो गया? उद्धार करता परमेश्वर के साथ है, मसीहा के साथ में, चंगाई देने वाले के साथ में, अद्भुत गुरु के साथ में, उसका क्या हो गया? आमना सामने। और वो उतर के क्या करता है? अपने घर पे यीशु मसीह को लेके जाता है, अपने घर पे। उसका जीवन कैसा था? पैसा वाला जीवन था कि मुझे यहाँ से ये मिल जाए, मुझे वो पैसा मिल जाए, मुझे ये नौकरी मिल जाए। वो चाहता था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, 20 की जगह 30 रुपये मिले, 40 की जगह 50 रुपये मिले। और इस तरीके से उसका वो हमेशा क्या करता था? रात और दिन पैसे के बारे में सोचता था, मिल जाए। और आज उसके पास पैसा है लेकिन उधार नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह के साथ उसका आपका साथ हो, यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाता है वो। और जब यीशु को अपने घर में लेके जाता है, आनंद का समय होता है, बातचीत का समय होता है और खाने पीने का समय होता है, तो यीशु जैसे ही वहां पे खड़े होकर बोलता है, जैसे ही खड़े होकर बोलता है कि यदि मैंने किसी का कुछ दे लिया है गलती से, 4 गुना उसको वापस करूंगा। पुरानी नियम में यदि आप देखेंगे, गिनती में देखेंगे उसका में, तो यदि कोई किसी का गलती से या फिर जोर जबरदस्ती कुछ करके लेता था पैसा, तो उसको 4 गुना मतलब वापस करना पड़ता था। मतलब एक तो वो देने पड़ता था, बाकी 4 गुना और वापस करना पड़ता था। तो जैसे के मन में भी ये था कि हाँ मैं 4 गुना वापस कर दूंगा और अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति को कंगालों को दे दूंगा। तो जैसे के जीवन में परिवर्तन कैसा है, वो चाहता था कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। वो क्यों चाहता था? इससे आज उसका जीवन बदला, क्योंकि उसके घर में कौन आ गया था? उसके हृदय में कौन आ गया था? यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य की इसके बोलता है कि देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार
यदि कोई शख्स उनका द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। तो जगने ने क्या अपने हृदय के दरवाजे को खोला, यीशु मसीह उसके हृदय में आया और उसका जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इससे नहीं कि वो उसने बोला कि वापस आधा संपर्क दिन बना ही, इसलिए क्योंकि उसके जीवन में उसके परिवार में यीशु मसीह आ गया था और जिस परिवार में जिसके हृदय में यीशु मसीह आदर है तो उसका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। आज पास में गांव के लिए भी क्लास पढ़ा रहे थे तो स्केच मोड बता रहे थे, मतलब सिखा रहे थे और एक ऐसा मतलब फोटो बना था, एक आदमी बना था, उसके हृदय में छेद था और वो छेद परमेश्वर ने बनाया था। तो वो छेद को भरने की कोशिश करता कैसे, अपने दोस्तों के द्वारा, ताकि नए नए मेरे दोस्त होंगे, बातचीत करूंगा तो वो तो छेद है वो भर जाएगा, तो दोस्ती करता है लेकिन वो छेद नहीं भरता। फिर वो सोचता है कि अरे मेरे को यदि मेरे को अच्छा मतलब नौकरी मिल जाएगा तो मैं वो छेद भर जाएगा, नहीं भरता। अच्छा जॉब मिल जाएगा तो वो छेद नहीं भरता, लेकिन अंत में क्या करता है, जब वो यीशु को ग्रहण करता है तो वो छेद भर जाता है और वो समस्या का हल हो जाता है। तो वैसे ही आज लोग हैं वो भी बिना परमेश्वर के हैं, बिना शांति के हैं, बिना आराम के हैं, बिना खुशी के, उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानी है, तकलीफ है, उनको एक चीज करना है और वो चीज क्या है, उन्हें यीशु मसीह को अपने हृदय में आने देना है। यीशु मसीह दरवाजा तोड़ के नहीं आना चाहता, वो निमंत्रण देता है और यदि कोई द्वार खोलेगा तो यीशु मसीह उसके अंदर आएगा। जिस प्रकार से जगई का जीवन बदला है, उसी प्रकार से आज आज के हजार लोगों का जीवन बदलता है जब लोग अपने हृदय को खोलते हैं। तो आज के दोपहर में आपको जो मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप यहाँ पे आते होंगे, यदि अभी तक आपके हृदय अगर बंद है यीशु मसीह के लिए, तो आप अपने हृदय में यीशु मसीह को आने दें, उसको बोले कि यीशु मसीह को मेरा राजा है, यीशु मसीह को मेरा प्रभु है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन का संचालन कर। तो आप ऐसे करेंगे तो यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा और वो आपके परिवार को चलाएगा। जिस प्रकार से जनता का जीवन बदला है, हमारा भी जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और गाँव के लिए जो भी संदेश देते हैं वो आपकी आत्मा के द्वारा समझने वाले यीशु के नाम से।